अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। इंशाल्लाह ठीक होंगे। आप लोगों को ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। फूल के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि मैम ये वाइटिंग कैप्सूल के बारे में सही तरह बताएं, इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इसका कितना फ़ायदा होता है, जो भी इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं इसको क्लियर करती हूँ, आपको बताऊँ। ये आप स्किन पॉलिश में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप एक स्किन पॉलिश के जो आप इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे उसके अंदर आप ये यूज़ करेंगे। आप इसको हाफ हाफ करके भी यूज़ कर सकते हैं, ये क्लीजिंग में भी मिला सकते हैं और स्किन पॉलिश के अंदर भी मिक्स करके लगा सकते हैं। डबल वाइटनिंग चाहिए तो वो फिर आप क्लीजिंग के अंदर मिक्स करें, हाफ क्लीजिंग में मिक्स करें, ठीक है, और हाफ आप उसको रख दें, ठीक है, वो मास्क में यूज़ कर लीजिएगा। और एक पूरा कैप्सूल आप उसके अंदर यूज़ करेंगे स्किन पॉलिश में। स्किन पॉलिश का पूरा मैं वीडियो बना चुकी हूँ, पूरी अच्छी तरीके से सब क्लियर कर चुकी हूँ उसके अंदर, आप वो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो क्रीम बनाते हैं उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट आता है, यानी कि आप ये समझें कि वाइटनिंग आप क्रीम बना रहे हैं या आप स्किन पॉलिश बना रहे हैं तो इसका डबल डबल रिज़ल्ट मिलता है। इतनी अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है और ये मार्केट के अंदर 5 to 10 में मिल जाता है। तो कुछ जगह पे 5 में मिल जाता है, वैसे उमूमन के 10 में ही मिलता है एक कैप्सूल, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, आपने क्या करना है कि ये वाली जो है इस ब्लीच आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। ड्राई इसकी बड़े अगर पार्लर्स में जाए जो बिगनर्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके क्लाइंट ऐसे जो सबसे ज़्यादा जिनकी सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है, उनकी सबसे ज़्यादा मसला होता है उनकी स्किन के ऊपर ब्लीच करना, स्किन पॉलिश करना बहुत मुश्किल होती है। तो ज़्यादा बार जो बिगनर्स हैं उनको ज़्यादा बार ये टेंशन होती है कि उनकी स्किन ज़्यादा रेड हो जाती है या जल जाती है। तो वो जितना वो वाइटनिंग वो कहते हैं हमें वाइटनिंग कर दें, तो वो जो है उनकी स्किन सबसे ज़्यादा डैमेज हो जाती है स्किन पॉलिश के बाद और ज़्यादा। तो प्लीज़ एक तो पाउडर का इस्तेमाल कम करें, स्किन के मुतालिक आपको ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए। ये ना हो कि स्किन अच्छी होने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाए उसकी स्किन पर। तो ये इसके अगर उनके अगर पॉलर्स हैं तो वो फिर इसकी जो है ना बड़े जार मिलते हैं, ठीक है, वो उसको लें, बहुत फ़ायदा होगा उनको उसके अंदर, ठीक है। और इसके बाकायदा क्रीम के एक छोटे भी जार मिलते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बल्कि और ये साशे हैं, अगर एक स्किन के ऊपर लगाना है तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीमी होता है ये और उन जो सेंसिटिव स्किन है उसके लिए बेस्ट है ये, ठीक है, ये वाली, क्योंकि ये क्रीम में है। जो ब्लीच है उमूमन वो देखा है आपने, वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, तो वो जो ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के ऊपर थोड़ा सा इसका मसला होता है। या फिर आप क्या करेंगे, 20 वॉल्यूम होता है डेवलपर, जैसे इस तरह बड़ी पैकिंग में भी मिल जाते हैं पार्लर्स वगैरह में, जिनके पार्लर्स बहुत ज़्यादा चलते हुए पार्लर हैं तो वो बड़ी पैकिंग ही लेते हैं, उनको उसमें फ़ायदा होता है। तो ये 20 वॉल्यूम है, ठीक है। तो आप अगर सेंसिटिव स्किन पर इस्तेमाल करेंगे तो 20 वॉल्यूम डेवलपर यूज़ नहीं करेंगे आप, इसके अंदर आप इसको जो है 10 वॉल्यूम यूज़ करेंगे, ठीक है। 10 वॉल्यूम का आपने इसको लेना होगा, ठीक है, और या इस तरह छोटी पैकिंग में मिल जाता है तो आप छोटी पैकिंग में ले लेंगे तो उसका, लेकिन उसका भी 10 वॉल्यूम यूज़ करेंगे सेंसिटिव स्किन के ऊपर, ठीक है, और ऑयली स्किन के ऊपर आप यही ही यूज़ करेंगे। सेटिंग सारी मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताई हुई है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है और बहुत छोटे न्यू स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग तो आप इस तरह भी लेके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसके साथ और जो मैंने आपको तरीका बताया है उसके हिसाब से मिक्सिंग करेंगे, लेकिन आप देखें इसका बहुत अहम रोल है, इसको लाजमी यूज़ किया करें। इसका एक चुटकी यूज़ करेंगे आप सेंसिटिव स्किन पर, और आपने अगर ऑयली स्किन पर यूज़ करना है तो आप इसकी 2 चुटकी यूज़ करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी क्वांटिटी की सब सेटिंग होती है, उसको लाजमी आपने फॉलो करना है, लाजमी आप लोगों को ये जो स्किन पॉलिश होती है इसके अंदर ये इसको ज़रूर यूज़ किया करें। तकरीबन आप इसको जो है हाफ स्पून यूज़ करेंगे, यानी कि 1 टीस्पून, ठीक है, ये आपने इसके अंदर लाजमी स्किन पॉलिश में मिक्स करा करें, ताकि जो भी स्किन होगी ना
वो बिल्कुल बर्न नहीं होगी और वाइटनिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, पाउडर भी यूज़ साथ कर देंगे, पाउडर भी हम यूज़ करेंगे तो और अच्छा वाइटनिंग में आएगा स्किन पॉलिश के अंदर। सॉफ्ट टच की प्रोडक्ट है ना, आप इसकी मतलब इसी के अंदर क्लीजनर ले लें और जो इसका क्लीजिंग मिल्क है वो भी ले लें, ये जो है ना रीज़नेबल है। जो बिगनर्स हैं वो इस तरह इस्तेमाल करें, स्किन को साफ़ करना होता है, क्लीन करना होता है, तो आपको एक तो तरीका आना चाहिए कि आपने ऑयली स्किन पे कितनी देर मसाज करना है, कितनी देर क्लीजिंग करनी है, आपको थोड़ी सी ये चीज़ें आनी चाहिए, और ड्राई स्किन पर कितनी देर आपने मसाज करना है तो उसकी आपको आना चाहिए, और उनकी प्रोडक्ट क्या है, आपको ये नॉलेज जो है ना लाजमी आपको रखनी होगी। जब आप इस नॉलेज को रखेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अच्छा, मैं इसके ये रीज़नेबल है, ठीक है, और ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अगर आपके पास थोड़ा सा साफ सेट होता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको अगर आप यूज़ करते हैं, मतलब ये है डॉक्टर डर्मा का, अगर उसका फेशियल भी आप यूज़ करते हैं, अगर फेशियल का आपके पास नहीं है साफ तो आप क्लीजनर, जो इसका क्लीजनर और क्लीजिंग मिल्क है वो भी आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद कोई सा भी मास्क लगाएं, कोई सी भी चीज़ आप लगाएं, चाहे सॉफ्ट टच का लगाएं, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। और स्किन पॉलिश में आप इसका अगर अगर वाइटनिंग और बहुत अच्छी स्किन पॉलिश आपको करनी है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेना है, तो आपने क्या करना है, ये वाली आप ले लें, दोनों सूथिंग लोशन और क्या है मतलब ग्लो जो है शाइनर इसका, ठीक है, ये दो आप उसके अंदर ऐड करें, जो रिज़ल्ट है ना मतलब ऑसम रिज़ल्ट आएगा स्किन पॉलिश का।